आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में कैसे हम जो भी हमारी मेल आईडी है, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे आपकी कोई पर्सनल मेल आईडी हो, कोई भी मेल आईडी हो, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आखिर में वो मेल आईडी कौन कौन से लैपटॉप में, कौन से डेस्कटॉप में और कौन से डिवाइस के अंदर लॉगिन है, बिकॉज हो सकता है कि अगर आपने पहले कभी कहीं पे किसी के मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में लॉगिन किया हो और उसके बाद आप लॉगआउट करना भूल गए हो, तो कैसे आप बहुत ही आसानी से सारे डिवाइसेस के अंदर आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर सबको रिमूव कर सकते हैं, यानी सबसे साइन आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और जैसे ही आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन का नाम होगा वो होगा गूगल। इस तरीके से आपको यहाँ पर गूगल पर क्लिक करना है, और जैसे ही गूगल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए ये रहा आपकी मेल आईडी के नीचे, आपको यहां से दिख जाएगा कि आपकी मेल आईडी कौन सी है। बाकी आप बदलना चाहते हैं तो वो यहां से बदल सकते हैं अपनी मेल आईडी जो भी है। अगर मान के चलिए अगर आपने फ़ोन के अंदर 4-5-6 मेल आईडी से अगर आपने डाल रखा है तो ईजिली जो है आप यहां से आसानी से इस वाले एरो से आप यहां पे स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें आखिर में अगर मेरी यही मेल आईडी है, आपकी यही मेल आईडी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली मेल आईडी, तो आपको इसके बाद क्या करना है कि जस्ट पे यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और आप यहां पर देखेंगे ऊपर ही आपके पास में होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन, तो ये आपके पास में काफ़ी कुछ ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाता है। आपको थोड़ा सा ऐसा स्लाइड करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जो कि मिलेगा आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का। आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे थोड़ा सा ऐसा स्लाइड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्लाइड करते हैं तो आपके पास में देखिए यहाँ पे आएगा नीचे एक ऑप्शन, जिस ऑप्शन का नाम होगा आपके पास में यहाँ पे योर डिवाइस। देखिए योर डिवाइस पे जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको वो सभी डिवाइसेस दिख जाएंगे जिसमें कि आपका फ़ोन अभी लॉगिन है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरा फ़ोन है सैमसंग A51, इसमें लॉगिन है, ये देखिए विंडो का, ये मेरा डेस्कटॉप है इसमें भाई, ये देखिए एक इसमें भी है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम अगर मोर पर क्लिक करते हैं, आप यहां पे देखिए मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे और भी वो डिवाइसेस आपको मिल जाते हैं जिसमें वो लॉगिन है। तो आप यहां पर देखेंगे वो सारे डिवाइस आपके सामने आ जाएंगे जिसमें लॉगिन है। ये आप यहां पे देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से ये 5, तो इस तरीके से 5 डिवाइसेस के अंदर लॉगिन है। तो हम इसको कैसे इनमें से रिमूव करें, राइट? तो क्वेश्चन यही होगा कि कैसे रिमूव करें। तो फ्रेंड्स, अभी करंट टाइम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैमसंग के अंदर लॉगिन है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये रहा ये 3 डॉट का, जो भी डिवाइस आपको लगता है कि आपने लॉगिन नहीं किया है इस डिवाइस के अंदर, जैसे आप देखेंगे ये वाला जो है 30 अगस्त को, यानी कि ये जो है परसों, यानी कि अभी जो है ये लॉगिन हुआ था संडे को, तो इसको कैसे रिमूव करना है यहाँ से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साइन आउट का, तो आपको बस इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा साइन आउट ऑन विंडो, दिस विल बी रिमूव एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट फ्रॉम दिस डिवाइस, तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, साइन आउट कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या हुआ, वो साइन आउट हो गया, यानी वहाँ से चला गया, अब उसमें नहीं दिखाई देगा। सेम इसी तरीके से आप ये सारे जितने भी हैं सबसे आप ऐसे यहाँ पर आसानी से ऐसे रिमूव कर सकते हैं ईजिली, इस तरीके से देखिए। तो ऐसे आप सभी अकाउंट्स को आप रिमूव कर दिए जिनको आप नहीं जानते, उनको आप आसानी से आप यहां से रिमूव कर दीजिए, बस आपका इस तरीके से जीमेल आईडी भी बच जाएगा और सारी चीज़ें बच जाएंगी। अगर गलती से आपने कहीं पे कभी अगर आपने ऐसे लॉगिन कर दिया है तो आप इस तरीके से बच सकते हैं, और आपको नीचे दिखाई भी देगा कि जहाँ पर कि आप कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर आपने साइन आउट किया है, तो वो भी आप चेक कर पाएंगे कि ऐसा ना हो कि कभी आपको पता ही ना हो कि भाई आपने कौन से डिवाइस से रिमूव किया, कौन से डिवाइस से नहीं। तो एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे 2 फ़ोनों के अंदर ये आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इजीली तरीके से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि करना बहुत ही इजी है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, बताएँ कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने भी इस तरीके से अपने सारे डिवाइसेस से लॉग आउट कर दिया या नहीं किया, बाकी कोई कन्फ्यूज़न है। और एक सबसे मेन बात कि सेम ये प्रोसेस आपको आपके डेस्कटॉप मोड पे भी मिलता है, यही चीज़ एज इट इज़ बिल्कुल जैसे यहाँ पर है ऐसा ही आपको डेस्कटॉप मोड पे भी मिलता है, तो आप इजीली डेस्कटॉप मोड से भी ऐसे ही आपको लॉग आउट करना है। तो दोस्तों, बाकी कोई कन्फ्यूजन है, इंस्टाग्राम की आईडी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डायरेक्ट मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा।
अगर कोई कन्फ्यूजन है आपका तो ज़रूर आपका सॉल्यूशन होगा। बस फ्रेंड फिलहाल के इतने ही, चैनल पर है नए चैनल को ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।